दोस्तों मैंने दो शूज परचेज किया है। ये है बाकाबोकी कंपनी और इसका लुक जो है देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ये दोनों ही अलग अलग मॉडल का है शूज मैंने परचेज किया है। एक्चुअल में दोस्तों मैं ब्लॉगिंग वीडियो शूट करता हूँ और इसके लिए मैं अलग अलग लोकेशन पे जाता हूँ। कभी कभी पहाड़ी इलाके में भी जाता हूँ, हाइकिंग करता हूँ, तो कभी कभी मैं ट्रेकिंग भी कर लेता हूँ। उसके लिए एक बेहतर शूज रहता है, और अगर ठंडी का मौसम है तो एक बेहतर शूज ना हो तो फिर मजा नहीं आता है आपको। तो उसके लिए मैंने परचेज किया ये दोनों शूज। अब देख सकते हैं दोनों का डिजाइन अलग है। मैं भी काफी कंफ्यूज हो गया था दोनों में से कौन सा लूं। मैंने दोनों ही परचेज करके मंगा लिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हो कि मुझे लेना कौन सा है। तो देख सकते हैं ये जो है, जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें बहुत ही कॉस्टली शूज आते हैं दोस्तों। तो ये उसी का इंस्पायर करके बाकाबोकी जो कंपनी है इसको बनाई है चीप रेट में दोस्तों। काफी चीप रेट का है ये जूता। मैं आपको प्राइस भी शेयर करूंगा कि दोनों कितने कितने का है। ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मॉडल क्या है और इसका मॉडल क्या है। दोस्तों इसका जो है कंपनी नेम रखा हुआ है बाकाबोकी फ्लेम 7E मोटो इंस्पायर, इन्होंने लिखा हुआ है मोटो इंस्पायर मिल्ड वाटर प्रूफ, यानी वाटर प्रूफ जो होगा आपको यहां तक जो होगा इसके नीचे ही वाटर प्रूफ ये देता है शूज। और इसे आप आराम से स्नो वगैरह जहां पे मतलब बर्फ वगैरह पड़ता है, बर्फ रास्ते में होते हैं, वहां पे आसानी से आप इसको पहन के जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये आपको ठंडी के लिए भी, अगर ठंडी में आप कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर बाइकिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी काफी ये बेहतर शूज है। मैंने काफी रिव्यू वगैरह भी देखा तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, मैं सोचा कि एक रिव्यू क्यों नहीं मैं कर देता हूँ इसका। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स पूरा पता कब चलेगा कि ये बेहतर है कि नहीं है, दोस्तों कुछ दिन जब बीत जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं प्रोडक्ट, किस लायक ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके इस पे ज़्यादा अगर पूछते हैं तो मैं आने वाला वक्त में, अगर मेरे साथ ज़्यादा मतलब वक्त ये बिता देता है जूता, तो फिर एक और अलग से वीडियो शूट करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि ये जूता जो है आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इतना चीप है कि क्या बताऊँ, इंसान सोचता नहीं है, अगर लुक मिल जाता है तो ले लेता है, भले ही वो एक या दो महीने चले उतने ही में उसका पैसा वसूल हो जाता है उसके लुक पे। और ये दूसरा जो शूज है दोस्तों, दूसरा शूज का है मॉडल नंबर, मैं उसका भी बता देता हूँ, बाकाबोकी हाइक 5E, हाँ ये भी मोटो इंस्पायर है और ये भी माइल्ड वाटर प्रूफ है, तो इसको भी आप यहाँ तक ये कर सकते हैं। अब इसमें हमको डिफरेंस क्या लग रहा है दोस्तों, दोनों का जो पीछे का आप देख सकते हैं ये जो सोल है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो है ग्रिप थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा और इसमें जो है ग्रिप थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, थोड़े ग्रिप इसके छोटे छोटे हैं। और इसके जो है एक इसका जो डिजाइन है ग्रिप का, ये थोड़ा सा स्नो का ध्यान में रख के किया गया है, जैसे स्नो वगैरह में अगर चलते हैं तो वहां पे जो स्लिप जो होने का चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है इससे। और ये हार्डनेस में जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ पे आप दाब के देखने से पता चल रहा है कि आप इसको आराम से दबा सकते हैं ऐसे। तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि ज्यादा अगर आप हार्ड सरफेस पे चलते हैं, जैसे पत्थर वाले इलाके में जाते हैं वहां पे अगर ट्रैकिंग करते हैं, तो ये जूता जो है ज्यादा दिन शायद आपके साथ ना दे पाए, क्योंकि दोस्तों चीप है काफी। अगर 10,000-15,000 का अगर आप जूता लेते हैं और इसे कंपेयर करेंगे तो उसके कई गुना नीचे आ जाता है ये जूता। तो ये दोनों जो है, दोनों के प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये दोनों कितना का आता है जूता। मैं परचेज किया, मैं सोचा कि आपको भी जानना जरूरी है कि ये जूता बेहतर है कि नहीं है। 1399 रुपये और इसका जो प्राइस है ये है, और इसका जो प्राइस है 1699 रुपये, यानी 1700 और इसका 1400 रुपये, मात्र इसमें आपका 300 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन ये जो है ये आपका ये देख सकते हैं ऊपर तक प्रोटेक्शन दिया है, यानी हवा ऊपर तक भी नहीं लगने देगा। अब अगर बर्फीले इलाके में जाते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है, या बाइक पे अगर बैठते हैं तो भी आपको मजा आने वाला है। ये भी सही है, ये भी सही है, आप कैजुअल शूज के रूप में भी इसे आप पहन सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, अगर आप पर डे के यूज में पहनना चाहें तो थोड़ा सा आपको मजा नहीं आएगा। अब इसका कंफर्ट कैसा है, ये कंफर्ट दोस्तों मैं एक्चुअल में इस जूते को शूज को पहन करके तब मैं आपके साथ शेयर करूं,
अब दोस्तों कंफर्टेबल कितना है पहनने में, ये जूता ज्यादा कंफर्टेबल है या ये जूता ज्यादा कंफर्टेबल है। सबसे पहले इस जूता को पहनता हूँ और पहनने के बाद थोड़ा सा चलूंगा, चलने के बाद फिर इसका जो है कंफर्ट लेवल आपके साथ शेयर करूंगा कि किस लेवल का है ये, कंफर्टेबल है कि नहीं है और है तो कितना कंफर्टेबल है। अभी आप देख सकते हैं पैरों में जो शूज है उसका लुक ऐसा लगता है पहनने के बाद। ये बाकाबुकी हाइक 5E है और ये है बाकाबुकी फ्लेम 7E। ये दोनों का लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हम दोनों को एक जगह करके देखते हैं कि दोनों का लुक दोनों में बेहतर कौन सा लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जूता मैंने दोनों साइड कर दिया है और दोनों का जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा ज़रूर, क्योंकि एक जो है ऊपर तक आपको मिलता है प्रोटेक्शन, एक थोड़ा सा कम है, और दोनों का जो रोड प्रेजेंस बोल सकते हैं चलने के बाद वो थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है। बाकी आपको कौन सा बेहतर लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों दोनों शूज का कंफर्टेबिलिटी का बात करते हैं। इसमें जो बाकाबुकी हाइक 5E है ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा पहनने में, और बाकाबुकी फ्लेम 7E है ये थोड़ा सा मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। तो दोस्तों रीजन दोनों में क्या है ना कि जैसे बाकाबुकी फ्लेम 7E है ये ज़्यादा अंकन इसका मतलब बड़ा है, तो उस हिसाब से इसको जैसे स्नो वगैरह में पहनते हैं, ठंडी वगैरह में पहनते हैं तो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, मतलब आपको वार्म रखने में। तो कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा तो कहीं आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। दोस्तों आपने वीडियो जब यहाँ तक देख लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उतना करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो आपसे गुजारिश है और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी कभी गुनगुनाते भी रहिए।